जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल डे व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में जुम्मे का दिन आप सबको बहुत मुबारक हो जनाब और जनाब मेरा तो आज का दिन कितना बिजी गुजरा ये मैं आपको बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे पूरा दिन मैंने काम किया सारा दिन काम कर कर, कर के ना यकीन करें वो कहते ना जैसे वो कमर टूट गई है मेरी आज आज कोई ज़्यादा ही मेरा फ्राइडे बिज़ी था और फिर क्या चक्कर हुआ कि मैंने खाना नहीं बनाया खाना नहीं बनाया तो उसका वो कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना नुकसान ये हुआ कि इस वक्त चल रही है जनाब मेरी मीटिंग और मैं मीटिंग वो मीटिंग क्लास नहीं है वो मेरी मीटिंग है और वो बस आपने सुनना है एक स्पीकर है और उसको आपने सुनना है साथ साथ मैं आपने क्लास ले रही हूँ स्पीकर है आया हुआ सेमिनार है हमारा चल रहा है साथ साथ और साथ साथ मैं यहाँ पे बना रही हूँ जनाब खाने खाने क्या बना रहे हैं आज मैंने सोचा कि दो तीन चीज़ें इकट्ठी बनाती हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है रीज़न ये है जनाब कि आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ में बैठी हुई थी और हमने कोई बात की तो मैंने कहा मैंने ना जिंदगी गुजर गई और मैंने कभी ना मटर गोश्त नहीं बनाया गोश्त मटर गोश्त आप बनाते हैं ना हर घर में बनता है मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे बच्चों को मटर अच्छे नहीं लगते तो मेरे मियाँ कहते हैं अच्छा इसका मतलब है फिर हम सारी ज़िंदगी मटर नहीं खा सकते मैंने कहा नहीं 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 मटर क्यों नहीं खा सकते हम मटर खाएंगे किसी दिन मैंने दो हांडियाँ बना ली तो फिर एक मटर वाली बना लूँगी और एक बच्चों के लिए कोई भी चिकन या कोई ऐसी चीज़ बना लूँगी तो कहते ठीक है जब तुम्हारे पास टाइम हो तो उस दिन बना लेना तो हस्बैंड चले गए थे खेलने के लिए क्लब और मैं थी घर पर मैंने कहा चले जी, आज हस्बैंड को देखना सरप्राइज़ उनको मैंने बताया था कि मैंने आज चिकन का सालन बनाना है क्योंकि मेरे बच्चों को मसाला चिकन बहुत अच्छा लगता है मेरे घर में हर दूसरे दिन बन रहा होता है और उसके साथ मैंने कहा कि मैंने बनाना है जी शोरमा चिकन लाइक जो मैं बनाती हूँ डोनर के लिए और जो मैंने अभी आपको दिखाया ये धुला पड़ा है और मैंने कहा ये दो चीज़ें मैं बनाऊंगी तो उसमें से कुछ आप खा लीजिएगा कहते हैं हाँ हाँ ठीक है इनमें से कुछ बना लो आज मैंने चावल नहीं बनाए थे कुछ दिन पहले बनाए थे ना तो खाया हुआ था तो चावलों पर आए दिल नहीं था हमारा वरना नॉर्मली आपको पता है फ्राइडे को बिरयानी या पुलाव होता है हमारे घर में अब हस्बैंड चले गए उनको सरप्राइज़ देने के चक्कर में ना मैंने आज ना तीसरी हांडी भी बना लिया है और वो मैं बना रही जो मटर गोश्त बनाऊँगी मसाला चिकन बनाऊँगी और मैं बनाऊँगी जनाब उसके साथ साथ हमने बनाना है शोरमा या डोनर का चिकन भी और इधर साथ साथ बर्तन भी आपको दिखा रही हूँ किचन भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो रहा है लेकिन मैं सा साथ साथ सफाइयाँ करती हूँ सीरियसली ये मैं आपको बता दूँ मैं घर को गंदा नहीं करने दे होने देती और मेरे पास एक चीज़ जो सारे मामले में क्या थी कि मेरे पास टाइम लिमिट सिर्फ थी एक से डेढ़ घंटा मैक्स मेरे पास डेढ़ घंटा था क्योंकि उसके बाद खाने का टाइम हो जाना था और डेढ़ घंटे में तीन चीज़ें बनाना तो आज तो आपको आपको सच बताऊँ ना कहा क्या <laughs> आपकी बहन को अपने पे बड़ा प्राउड भी फील हुआ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सवे घंटे के अंदर मैंने तीन चीज़ें बना ली तीन चीज़ें मैंने बनाई हैं साथ में सेमिनार भी अटेंड कर रही थी सारे कान उधर लगे हुए थे और साथ में काम चल रहे थे तो ये होती है एक माँ की ज़िंदगी या एक वो कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्सिबल औरत की ज़िंदगी जिसमें आपने घर के काम भी करने हैं लेकिन आपने अपनी दूसरी लाइफ जिसमें आपको अपना स्कूल लेके चलना है या जिसमें आपने अपनी जॉब को लेके चलना है ये सारी चीज़ें भी हम साथ साथ लेके चल रहे होते हैं बर्तन खाली करने लगी थी मैंने कहा बर्तन धो लूँ देखा तो डिश वॉशर भरा हुआ है पहले इस डिश वॉशर को मैं खाली करूँगी फिर बाकी बर्तन धो के मैं अंदर इसके अंदर रखूँगी भाई एक काम तो होता नहीं है कामों की बोछाड़ होती है और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये सारे काम किए तो मुझे इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली मुझे इतनी ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ी नॉर्मली आपने देखा मैं एक आध चीज़ें बनाती हूँ मैंने अपने बच्चों को अलहमदिल्ला से आदत डाली है कि बस वो एक ही चीज़ खाएं जो घर में बनती है तो देखें साथ में बर्तन भी धुल गए हैं चिकन के मैंने वो जो मेरे पास चिकन ब्रेस्ट थे उसको भी मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया धनिया धो के रख लिया और ये देखें किचन हमारा हो गया साफ़ कोई बता सकता है कि यहाँ पर तीन तरह की चीज़ें पक रही हैं और एक बंदा है काम करने वाला और साथ में उसकी पढ़ाई का काम भी चल रहा है तो ये देखिए बर्तन सारे धुल गए हैं बर्तन दो के मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं इधर हमारा चिकन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है और उधर साथ में अगर आपको मैं दिखाऊंगी अभी जाके तो जो हमारा इंस्टेंट पॉट में पक रहा है जी मटर गोश्त वो भी हम लोग गोश्त को बस भोनी देने के चक्कर में क्योंकि गोश्त हमारा गल चुके हैं बस हमने इसका पानी ड्राई करके इसको भोनी देनी है फिर हम इसमें मटर ऐड कर देंगे तो सारी चीज़ें साथ साथ चलने के साथ पढ़ाइयों के काम होने के और इतना बिजी दिन गुजारने के बाद आप सोच सकते हैं कि आज मैं कितनी थकी हुई होंगी लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ चीज़ ऐसी बनाती हूँ ना जिनका जिनको खाते हो या देख के उनको खुशी हो तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होती है आ, बस मेरी मुझे हर इंसान का ना कुछ एक एक कहते ना कि हैप्पी एक रीज़न होती है, है हैप्पीनेस की कोई रीज़न होती है तो मेरी हैप्पीनेस की रीज़न है मेरी फैमिली जब भी वो खुश होते हैं ना तो मैं अपनी सारी थकावटें भूल जाती हूँ सारी चीज़ें मेरे वो कहते हैं ना कि पीछे रखी जाती हैं और मैं उनकी हैप्पीनेस को उनके चेहरों को अपने आगे रख के और वो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं कहती हूँ नहीं भाई आज ये किया तो कल इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग मैं हमेशा कहती हूँ काम तो करने ही हैं जनाब रोने धोने का फ़ायदा नहीं है यकीन करें खुशी से करेंगे ना तो ना सिर्फ आपके कामों में बरकत हो जाएगी कि वो जल्दी हो जाएंगे बल्कि उसमें इतना जो जायका आएगा ना वो भी मैं आपको बताऊँ ना तो उसका भी कोई मुकाबला नहीं है जो खाना जो काम मोहब्बत से किए जाए ना उसका जो रिज़ल्ट नज़र आता है ना और जो काम आप ज़बरदस्ती करते हैं ना उसके रिज़ल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और ये मेरा एक्सपीरियंस है ये मैं सिर्फ आपको बात सिर्फ कहने के हद तक नहीं कह रही ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब जब मैंने दिल से काम किया जो कि मैं 99.9 परसेंट दिल से ही काम करती हूँ ओनली पॉइंट वन परसेंट जीरो जीरो पॉइंट वन परसेंट एक ऐसा होता है जिसमें कि कभी मेरा दिल ना हो और मैं कोई काम करूँ उसी काम में ना कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरी हो जाती है तो मेरा ये एक्सपीरियंस है इसलिए मैं हमेशा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो आपकी कोई शेयर नहीं कर सकता जिसको आप को ही करना है तो ख़ुशी के साथ करके देखें तो आपको पता चलेगा कि खुशी के साथ करने का रिजल्ट और ज़बरदस्ती करने का जो रिज़ल्ट है ना उसमें बड़ा फ़र्क आएगा और जो भी माएँ मेरे व्लाग्स देखती हैं क्योंकि मुझे ये तो पता है कि ज़्यादातर खुवातन हैं माएँ भी हैं कुछ बच्चियाँ भी हैं जिनको जो मुझे गुल आंटी कहती हैं और जिनकी मोटिवेशन मैं हूँ तो मुझे उनको भी ये बताना है कि बेटा कब भी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं ना आप पे जो सिर्फ़ आपने करनी है तो हंसी खुशी करें तो कि क्योंकि पता है करनी वो आप नहीं है बेशक आप हंस के करेंगे बेशक आप रो के करेंगे करनी वो आप ही ने हैं अगर आप हंस के करेंगे ना तो जिनके लिए करेंगे ना वो भी आपकी क़दर करेंगे और आपका अपनी सेहत पर भी उसका ना बड़ा पॉजिटिव असर होगा बच्चे जब कोई काम कर मैं उनको बोलूँ ना कोई काम कर दो तो अगर वो अम्मा फिर से तो मैं उनको एक्चुअली वहीं टोकती हूँ मैं उन्हें कहती हूँ कि देखो ज़िंदगी में ना कोई काम करना है ना तो ये मुंह बना के काम नहीं करना इस तरह के ना कोई आपने एक्सप्रेशन देने ना इस तरह के कोई जेस्चर्स शो करने हैं जो काम करना है उसको दिल से करो और इज्जत के साथ करो ताकि जिसके लिए कर रहे हो ना उसको भी ये महसूस हो कि उसके काम करते हुए आपको वो बोझ नहीं लग रहा बल्कि वो आप उनकी मोहब्बत में कर रहे हैं तो मेरी बच्चियाँ मेरे बच्चे मैं उनको हमेशा ये बातें समझाती हूँ ये एक माँ का फ़र्ज़ होता है और यकीन करें कि मैंने ज़िंदगी में और कुछ किया है या नहीं किया मैंने अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत ज़रूर दी है जो 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 इन शाह तल को कभी भी वो अपनी जब भी अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो मुझे इस चीज़ का वो एक मैं कहती हूँ कि कुछ उम्मीद आपको नज़र आती है मुझे ये लगता है कि वो इन अपनी ज़िंदगी को अच्छा लेके चलेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को भी ऐसा देखा और उनकी माँ ने उनको ऐसी तरबियत भी दी है तो जो बच्चियाँ मेरे ब्लॉग्स देखती हैं कोई ऐसी लड़कियाँ जिनकी अभी अभी शादी हुई है कुछ ऐसी लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है या अभी कुछ बहुत छोटी हैं तो मेरा बच्चा ज़िंदगी में ना ये सारे जो काम है ना ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है इनको कभी भी ना वो तो कहते हैं ना कि मुसीबत ना समझें जो करें दिल से करें तो आपको उनको ना करते हुए भी खुशी होगी तो आज तो मैंने बड़ी कोई वो कहते हैं ना नसीहतों वाली तो बातें कर दी अब आ जाते हैं नॉर्मल हमारे कामों की तरफ तो जनाब देख लें खाना हमारा रेडी हो चुका है इसमें मैंने मटर डाल दिए थे मटर डाल के भी मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ मैंने चार पाँच मिनट शायद दिए थे मुझे अब याद भी नहीं है और बस अब इसको हम खोलेंगे जो हमारे पास सब्ज धनिया पड़ा है वो डालेंगे और फिर फिर उसके साथ जो बर्तन गंदे हो गए अब दोबारा वो भी धोना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सिलसिला साथ साथ चलता रहता है क्योंकि ये जो बर्तन है ना इनकी बरकतें तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं ऑनेस्टली मुझे <laughs> कभी कभी लगता है कि जिंदगी का हर काम जो है ना वो आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं उन चीज़ों के यूज़ को या उन चीज़ों के आ, किसी भी तरीके से उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं लेकिन जो बर्तन है ना ये हर वक्त इनमें अल्लाह तला की तरफ से भर कहता है तो ये बर्तन भी धोने हैं लेकिन वही वाली बात कि दो दो बर्तन है साथ साथ धोने में कोई तकलीफ़ नहीं होती झटपट में धुल जाते हैं इसलिए मेरे बर्तन इकट्ठे नहीं होते और मैं वो हाथ पर ही धो देती हूँ मैं डिश वॉशर भी यूज़ नहीं करती अब जी ये खाना हमारा रेडी हो गया लेकिन इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे लगाना है ताकि इसका जो ऑयल है वो निकल आए तो ये देखें जनाब पंद्रह एक मिनट मैंने इसको रखा था दम पे और ये देख लें जनाब कैसे मज़ेदार उसका ऑयल निकल आया खाना रेडी हो गया हमारा चिकन भी बन गया सारी चीज़ें हमारी बन चुकी हैं और अब मैंने बनानी है तंदूरी रोटी क्योंकि हस्बैंड के आने का टाइम हो गया और उनकी फेवरेट है जी तंदूरी रोटी और आप यकीन करें कि मैंने तकरीबन टोटल सवा से डेढ़ घंटा लगाया होगा फ्रॉम स्क्रैच से ये सारा कुछ बनाने में और सब कुछ रेडी हो गया साथ में मीटिंग वो देखे वो चेयर पड़ी है वहाँ पे बैठ के मैं साथ साथ सेमिनार अटेंड कर रही थी क्योंकि मैंने हेडफोन्स लगाए हुए थे तो साथ साथ मैं सुन भी रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे क्योंकि ये सेमिनार अटेंड करना बड़ा ज़रूरी था तो अब बस जन आप तंदूरी रोटी बन रही है हस्बैंड आ चुके हैं यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग देख के आपको थोड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी कि कामों को करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखें तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं इसी के साथ जनाब मैं ले लूँगी आपसे इजाज़त तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा आपने इंजॉय किया होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने टेक केयर जी अल्लाह हाफिज़